शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रुदाली की डिंपल बनके क्यों आया? किसने मारा? या मारा। अब पता नहीं क्या होगा। अरे तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोल किसे मारा साले की खाल उधेड़ देंगे। बोल। अबे नाम तो बता। मामा तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है। जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। अबे नहीं करते मतलब क्या? अबे जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबारे। बात करता है कमीना। मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना? ये तो अच्छी बात है ना। अबे काटना मत। मेरी किडनी बेचने निकला था वो। निकाल ली वो तो पीठ दिखा के मैं भाग गया। अब देखना साला तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना कुछ बोलो तो बोल दिया, और भी कुछ बोलूं? अबे देख 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 कौन है? मामा कौन है? हीरो आया? ए शूटिंग है क्या? ए बोल ना। ये तेरा मजनू दोस्त है ना? हाँ। घर आया था अपनी लैला के साथ। अरे गोपी, ए हाय। हाय। अरे तू यहां? मेरा ऑफिस ऊपर ही है यार। ओ यहाँ पे? बाय द वे, हाँ हमारी शादी हो गई यार। अरे अरे ये गाड़ी भी तेरी है यार? तेरे को ये खजाना मिला कहाँ से यार? ससुर से। अरे वो तो तुम्हारी जान के पीछे था। हाँ शादी के बाद बदल गए, अब उनका कारोबार भी मैं ही देखता हूँ। कमाल है यार, तेरा ससुर आदमी है कि सिक्का, इतनी जल्दी पलट गया। एक बार शादी हो गई फिर किसी भी माँ बाप के पास क्या चारा रहता है, उन्हें मानना ही पड़ता है। वेल कभी तुरंत तो कभी नाना नानी बनने के बाद, लेकिन वो पिघलते जरूर हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट पक्या। चल मिलते हैं। ओके बाय गाइस। बाय बाय। इसे कहते हैं कुंडली के सारे घर सर पे सवार होना। अबे ये कुंडली उंडली सब बंडल है यार। हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मर्दा। हाँ वही बंदा। और वैसे भी इस थकेले गोपी ने कौन सी हिम्मत कर ली? अबे अमीर लड़की को पटाने की, भगवान ने उसका साथ दिया ना, देख उसकी लाइफ 7 स्टार हो गई। मतलब हमें भी एक चलना आधी अधूरी अमीर लड़की मिलेगी तो हमारी भी निकल पड़ेगी। हाँ लेकिन लड़की टपकेगी कहाँ से? आसमान से? अबे खटमल खटिए पर बैठे बैठे ठेंगा कुछ होने वाला है, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी, फिर देख। वो जरूर एक सही लड़की टपकाएगा आसमान से। सामान अंदर ले आना। जी। क्या हुआ? अभी हमारे पड़ोस में आग लग गई। नहीं आग नहीं लगी, एक ढिंचक पटाखा आया है। क्या? सच? कौन? एक दादी और एक दादा भी है। तो दादा फटाका है? नहीं नहीं वो फोड़ डालूंगा साले। अबे पोती भी है, सोए सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम चेहरा, हीरे की आंख में जैसे मैंने देखा तो भागते 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 सांस भूल गई लेकिन तुम लोगों के पास आ गया। क्या बात है, मतलब जिसे ढूंढा गलियों में पकिया में वो मिली घर की खटिया में। क्या बात है फारूक, जैसे मैंने देखा तो सोचा तुम लोगों को बता दूं। ए भाई मेरे दरवाजे पे तो धनलक्ष्मी सीटी मार रही, तुम लोग अपना अपना देख लो। कर लड़की की तलाश में साथ थे, अब पटाने में भी साथ रहेंगे। हाँ। लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी, लड़की एक और हम चार। अबे तो क्या हुआ, बचपन में एक ही पतंग के पीछे हम लोग भागते नहीं थे टैनी? हाँ। लेकर बस वैसे ही मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। हाँ। हाँ। बाकी के फूट लेंगे बिना तकरार के। बोलो मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। चलो हाथ मिलाओ। कहाँ
है, आजा। अबे तुम लोग झगड़ते रहो, मेरे को दिखने दो। दिख रहा है क्या चेहरा? दिख रहा है? अबे चेहरे की किसको पड़ी है, बाकी मस्त है। ये बाइनोक्युलर मेरा है, देखना है तो दूसरा खरीद कर लाओ। अबे अरे यार, इसकी और मेरी जोड़ी क्या बनेगी यार। हवा में नजर चिपकाए क्या हो रहा है? नहीं नहीं, अब हम लोग को लगा उधर कोई चोर उचक्का घुस गया, इसके लिए हम लोग खाली देख रहे थे। महाकसम, वहाँ चोर उचक्का कैसे घुस सकता है? बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो यहाँ रहते हैं। नहीं, ये बंदे ऐसे नहीं है चाची। अबे मैं तेरी बात करी, बाहर निकलो, बाहर। चौथा कहाँ है? आ रहा है। कब से मुझे नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखा है। आज पैसे देंगे, कल अमीर हो जाएंगे, है? अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अभी मेरे चार आदमी आके तुम्हारा कचरा बाहर फेंक देंगे, समझे ना? फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह लो, या तो फिर बीच सड़क पे। तुम जाने और तुम्हारे खून लग जाएगा। ये रहा आपका पैसा। ये क्या, इस महीने का किराया कहाँ है? ये महीना खत्म कहाँ हुआ है? ठीक है। अबे तू पैसे कहाँ से लाया? वो दुकान का बचा था। तुम्हारे पापा अफगानिस्तान में ना? हाँ। तो वहाँ तो जंग चल रही है। हाँ। सारी इंडियंस अपने घर वापस आ गए हैं, एक तुम्हारे पापा को छोड़कर। मालूम है क्यों? क्यों? इसकी वजह से। वो गई किधर? एक मिनट। अबे अपना, मुझे भी देखना है। मारू, रुकना। मेरे सर पे जब मैंने तुम्हें घर दिया, ना दिन में चैन ना रात में शांति। अबे निकम्मो, खुद तो घूमते रहते हो, जुल्फे उड़ाते, लेकिन बाकी दुनिया तो काम करती है ना, उसे तो सोने दो। मेंढक टटरा रहे कान में कब से, अगर दांत पे दांत पड़ने की भी आवाज आई ना तो चुटकी में गर्दन पकड़ के कूड़े में फेंक दूंगी मैं। इसकी तो गोटी, तो तेरा नाम है। नाम क्या? तेल लेने, उधर देख। चढ़ दे मेरे को, मुझे भी तो चढ़ना। उतर, क्यों बोला ना? उतर, क्या करना? एंट्री लास्ट और यहाँ फर्स्ट, नीचे उतर। क्यों यार बोला ना? उतर, सीनियर्स की इज्जत करना सीखो, पहले हम देखेंगे बाद में तुम। चाय क्या? झाड़ के ऊपर फूल बन के मत बैठे रहना, कोई दिखे तो सीटी मार देना, ठीक है? हे मारू, हाँ, हाँ? तेरे को कसम है, उसका नाना एग्जैक्टली हाफ हो जाए ना तो वापस आ जाना। हाँ, माँ की आंख आधा हम देखेंगे। हाँ, तब तक वहीं रहो, वहीं रहो। अरे छोड़ना। अरे इतनी देर साले अब तक आए क्यों नहीं हरामी? अबे लड़की को नहाते तो छोड़, पानी की एक बूंद देखने को भी नहीं मिलेगी, खुजली हो रही है यहाँ पे। कब्रिस्तान में एक लाश। चल 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 च
चार हाथ है, लड़की की तरफ बढ़ती है। क्या हुआ? अबे मुझे क्या मालूम, मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। नहीं कुछ तो हुआ, साले चिल्ला क्यों रहे? अरे जो भी हुआ होगा उनको, चल हम लोग कल्टी मारते हैं यहाँ से। चल चल दादाजी, अब तक तैयार नहीं हो? मैं आगे निकलती हूँ, आप गाड़ी लेकर ग्राउंड पर आ जाना। हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई। यार उसने मुझे देखा। ए, नहीं नहीं नहीं, अरे उसने तुझे नहीं मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो काले चश्मे पहन रखे थे। हाँ तो उसमें तुझे देखा? क्या तुझे देखा? किसी को नहीं देखा। मुझे देखा, मुझे देखा। ये मेरे को नहीं देखा, तेरे को देखेगी। यार एक बार देख तो लेती, चार खूबसूरत नौजवान खड़े थे उसके लिए। चार नहीं तीन, चलो तीन नहीं दो नहीं एक तो था ही। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के, इसलिए मैं दिखता, हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं उलझते हैं। लड़की हमें कैसे देखेगी इस बात को देखते हैं। हाँ मुझे दिखाई दे रही है। अबे मुझे दिखाई दे रही है एक राह। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल, बुढ़िया को पटा जाए। क्या? अरे दुनिया की तमाम दादियों को पटाने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है मेरे पास। अरे दादी दादी कह के घर में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारे स्वर्गीय दादी जैसी दिखती है। अरे इस बैतरे पर हर बुढ़िया फिसलती है। लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी दादी दिखानी होगी ना। लेकिन एक अकेली दादी हम चारों की दादी कैसे लग सकती है यार, बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आइडिया मेरा था इसलिए मेरी दादी जैसी लगेगी। हाँ हाँ तो फिर हम चारों इकट्ठे जाएंगे और दादी जाल फेंकेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कल रात शायद बुढ़िया ने हमें देख लिया हो, पहचान लिया तो प्लान चौपट। आज का मुहूर्त सही है, घर गली सुमसान है और बुढ़िया घर में अकेली है, और अकेली औरत पर मंत्र मारना बड़ा आसान होता है। चल निकलते चल। ओ बच्चू, क्यों आज नहीं फिर कभी? क्यों क्यों? इस काम के लिए खास हुनर और होशियारी की जरूरत है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में, मुझे मुझे पूरा भरोसा है। तू जा बुढ़िया गठरी मार के आ। नमस्ते दादी। हमें भी मरवाएगा, निकलो। अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? मर जाऊंगा। मत गोटी, लोचे हो जाएंगे। अबे सुअर पहले पानी तो डाल, आंखें जल रही है मेरी। ला 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 पानी ला, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल। अबे साथी नहीं, आंखें जल रही है कुत्ते। चुपना चुपना, तू इतना ऊंचा है। पानी डाल। साले दगाबाजो, कैसे दोस्तों मुसीबत आते ही पेंधे को पैर लांके भाग गए। सबक सीख लिया सालो, अब तो तुम्हारे साथ छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा मैं। अरे हमें क्या मालूम तुम खतरे में हो? ए सैम, तुझे मालूम था ये खतरे में? नहीं। ए मारू, हाँ। तुझे मालूम था? हाँ। अबे तुझे क्या मालूम था? ये नहीं बोलना चाह रहा है। हाँ बोल रहा है ऐसे करके। तो मेरी गला फट चीखे नहीं सुनी तुम लोगों ने? तुम चीख रहे थे, हमें लगा तुम और दादी मिलकर जोर जोर से हंस रहे हो। सालो किस्मत अच्छी है मेरी, जो कंधों पे अब तक सर बाकी है, नहीं तो तीन बार चूरा घुमाया था उसने यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता ये। चुप कर, सारा फोड़ डालूंगा। बस तू दिमाग पे बर्फ घिस के एक बात समझ ले,
लड़की को पटाने का तेरा चांस गया। अब तू भुट्टी को शक्ल नहीं दिखा सकता, इसलिए तो लड़की के सामने नहीं जा सकता। चलो एक तरफ था, अब सिर्फ हम तीन उससे शादी करेंगे। हम तीन इकट्ठा उससे शादी करेंगे। क्यों? तो क्या पार्वती ने चार से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही। अबे द्रौपदी द्रोही। वो जो भी हो हमें क्या, वो माँ भारत है, आज का भारत है। हम तीनों का एक लड़की से शादी करना नामुमकिन है। ठीक है फिर, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। मैं कर लूंगा शादी उससे। Yeah!